दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, डायबिटीज के मरीजों के अंदर एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं स्टारवेशन कीटोसिस। स्पेशली जिसके अंदर इंसुलिन कम बनता है, अगर कोई टाइप वन का मरीज है या यंग डायबिटिक, इंसुलिन कम बन रहा, अगर ऐसे में वो और खाना भी कम खा लेगा, बहुत कम खाएगा, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी, चावल, आलू, चीनी, फल, दूध, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर ये खाएगा तो क्या होता है, उसे बॉडी के फैट बर्न होगा, क्योंकि इंसुलिन ना होने से आपको फैट बर्न होता है, जो टाइप वन डायबिटीज, इंसुलिन कमी से फैट बर्न हो गया। अगर मरीज खाएगा नहीं कार्बोहाइड्रेट तो फैट बर्न होकर के कीटोन्स बनेंगे। नॉर्मली अगर आपका इंसुलिन बन रहा है तो ये कीटोन्स एक लिमिट में बनेंगे, और ऐसे में बहुत बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इसलिए कीटोन बन रहा जिसे बॉडी को एनर्जी मिल सके, क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज खा नहीं रहे, तो बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करके कीटोन आ रही है, और कीटोन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मरीज फास्टिंग करता है, जैसे अन्ना हजारे 18 दिन की फास्टिंग थे, तो 3rd डे के बाद उनको यूरिन में खूब कीटोन आने लगा था, उससे बॉडी को एनर्जी मिल रही थी। सेम कीटो डाइट में मरीज कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, खाली वो फैट प्रोटीन खाते हैं, उनका बॉडी फैट बर्न होकर कीटोन आता है, उनका कीटोन भी 1+2+ आ जाता है। तो अगर आपका यूरिन में कीटोन आ रहा है अप टू माइल्ड मॉडरेट तक, और ब्लड में 0.6 मिलीमोल से कम आ रहा है, तो आप कार्ब नहीं खा रहे, तो मोस्ट लाइकली स्टार्वेशन कीटोसिस है। अगर आप टाइप वन डायबिटिक मरीज है, या आप डायबिटिक मरीज, इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, आप इंसुलिन कम बन रहा आपके अंदर है, तो ऐसे में कार्ब नहीं खा रहे हो, जहाँ इंसुलिन लगाओगे, अब हमारे सामने पेशेंट का ब्लड शुगर 140 है और कीटोन आ रहा है यूरिन में मॉडरेट, इन्होंने जहाँ किस डॉक्टर ने 4 यूनिट इंसुलिन लगा दिया, तो शुगर कितना हो गया था बेटा, शुगर कितना आ गया था, 70 70, 70 लो आ गया। तो अगर आपको कीटोन निगेटिव करना है, तो एक तो आपको एक तो अगर आप ऑन टैबलेट हैं, तो एक डापा ग्लिफ्रोजन गोली आती है। डापा ग्लिफ्रोजन गोली क्या होती है कि ब्लड शुगर यूरिन बाहर निकाल के यूरिन कीटोन ब्लड कीटोन बढ़ा और बढ़ाती है, तो इसको बंद करना पड़ेगा पहली बात। तो दूसरी बात, आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा लेनी पड़ेगी। अब ये लड़का 32 लड़का है, तो कम से कम तुम 2-2.5 रोटी सुबह, 3-4 रोटी दोपहर, 3-4 रोटी रात को, फिर 2.5 घंटे बाद कुछ थोड़ा 30-25-30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5-25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओ, और प्लस इंसुलिन लगाओ, प्लस खूब पानी पियो, पानी इसमें थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के, हाँ, प्लस आपको करना पड़ेगा कि अगर आप उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा या चक्कर लग रहे हैं, तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, अदरवाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक हम एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन स्मॉल डोज दे देते हैं एक बार, प्लस हर 2 घंटे बाद शुगर चेक करेंगे, और एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हर 2 दिन पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते जाते हैं, और अपना ब्लड शुगर हमेशा करीब 180 से 250 मेंटेन करते हैं, थोड़ा शुगर बढ़ा के रखेंगे। उसके अलावा पे पीछे फ्रूट जूस भी खा पी सकते हैं, फ्रूट भी ले सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, माने आप हर 2 घंटे खा भी सकते हैं, हर 2 घंटे शुगर मान लो लो आ रहा है तो कुछ खा लिया आपने, क्योंकि जब तक ब्लड शुगर 180 बनी रहेगा, और इंसुलिन तो फर्स्ट शुगर लो खतरा हो जाएगा, तब अपना कार्बोहाइड्रेट खा खा करके आप 180 से 240 के बीच रखिए, और हर 2 दिन बाद इंसुलिन दीजिए आप, जैसे डॉक्टर बताएंगे आपको। तो आपको हाई, जब जहाँ ब्लड में इंसुलिन जाएगा, इंसुलिन काम होता है कि कीटोन बनना शट डाउन कर देता है, स्मॉल डोज कीटोन बनना शट डाउन किया। आपको डॉक्टर गलती क्या किया, उन्होंने आपको इंसुलिन दे दिया, उन्होंने इंसुलिन ग्लूकोज का तो इंजेक्शन देते वो, या खाने को ग्लूकोज देते, और कार्बोहाइड्रेट खिलाया नहीं आपको उन्होंने, तो इसलिए कुछ शुगर कंट्रोल के, आपको इन्फेक्शन हो रखा है, शुगर कंट्रोल चक्कर में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया उन्होंने, तो शुगर लो हो गया। तो अगर उल्टी नहीं हो रही है, आप बेहोशी नहीं हो रही है, आप पेट दर्द नहीं हो रहा, तो आप रेगुलर इंसुलिन लगा करके, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिख देगा,
आपका कीटोन एक दो दिन नॉर्मल आएगा, बट हर दो घंटे में आप शुगर चेक करें, यूरिन कीटोन चेक करेंगे। कभी उल्टी लगे, जिम मिचलाए, बेहोशी लगे तो एडमिट होना पड़ेगा आपको। उस समय सीधे नसों में ग्लूकोज प्लस इंसुलिन देना पड़ता है, समझ गए ना? तो अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक। इसे बोलते स्टार्वेशन कीटोसिस, यानी कि कीटोसिस ड्यू टू भूखे रहने की, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट ना खाने की वजह से। इसमें आपको इंसुलिन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी देना पड़ेगा।